Hey Ducklings, my name is Riyaz Mehta and this video is about online classes. If you don't know what online classes are, meri mano bahut lucky ho tum, theek hai, but still koi issue ki baat nahi hai, video enjoy karo. जैसा कि तुम लोग जान चुके हो लास्ट Q&A वीडियो के बाद कि मैं मास कम्युनिकेशन का स्टूडेंट हूँ, और अगर हम ऑनलाइन क्लासेस की बात कर रहे हैं तो फिर उसको थोड़ा बैक टू द क्लास लेके जाना चाहिए. और मास कम्युनिकेशन पढ़ते हुए हमें एक ही चीज़ बार बार बताई जाती है कि एक स्टोरी कवर करने के लिए 6 क्वेश्चन का आंसर होना बहुत जरूरी है. अगर उनमें से थोड़ा कुछ नहीं है तब भी चलेगा उस पॉइंट पे. अगर हम बात करें उन 6 क्वेश्चन के बारे में कि वो 6 क्वेश्चन है कौन से, तो उनको हम 5 W's 1 H के नाम से जानते हैं, या फिर व्हाट वेयर व्हेन व्हाई हुम एंड हाउ द लास्ट वन एच. हम देखो मैं क्लास में ध्यान देता हूँ, मेरे को मार्क्स दे देना प्लीज़. अच्छा है हमारे ऑनलाइन टेस्ट के. तो अब ऑनलाइन क्लासेस को एक स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म की आंखों से देखते हैं. ऑनलाइन क्लासेस क्यों लाई गई थी? ऑनलाइन क्लासेस हमारे एजुकेशन को लॉकडाउन के पीरियड में कंटिन्यू रखने के लिए लाई गई थी, या फिर सिर्फ हमारा कॉलेज थोड़ा पीयर प्रेशर हो गया था? पता है हमने ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट कर दी है. या ब्रो हमने भी मतलब कुछ हो ना हो, पर मेरे को इतना समझ में आ गया है कि कॉलेज उतना डिप्रेसिंग है नहीं जितना मेरे को लगता था, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस ज़्यादा डिप्रेसिंग थी. मतलब तुम सुबह सुबह उठो 10 बजे की क्लास के लिए, एंड उसमें भी तुम 1.5 आवर पढ़ो, मतलब कम से कम बैठो उसके सामने में, सिर्फ इसलिए कि तुम्हें 2.5 घंटा ये सुनाई दे कि हाँ महक और शिवानी को सुनाई दे रहा है. बात रही वेयर की या फिर कहाँ की, तो फिर तुम्हें पता ही होगा जूम के बारे में. नहीं मैं कार वाली आपके बारे में बात Get behind the wheels with Zoom car. नहीं कर रहा, ना ही मैं फ्लैश की बात कर रहा हूँ. Never forget, I am the fastest man alive. बल्कि मैं उस ऐप के बारे में बात कर रहा हूँ जो लाखों हैकिंग्स का सोर्स था. With so many people being stuck at home due to the lockdown imposed by the government all around the world to fight coronavirus, the Zoom app has become one of the most popular video chat platforms for millions. But is it really safe? मतलब काफ़ी मज़ेदार बात है कि हमारे कॉलेज ने इस नई ऐप को ज़्यादा प्रेफरेंस दी बल्कि उन पुरानी ऐप्स के, जो ज़्यादा ट्रस्टवर्दी है और हम लोग ऑलमोस्ट बचपन से उनके बारे में सुनते आ रहे हैं. माने तुम स्काइप ले लो या फिर अगर तुम डिस्कॉर्ड भी ले लो, तुमने ज़्यादा कुछ करना नहीं था, तुम्हें हमें PPT दिखानी थी एंड हमने बस उसको बैठ के देखना था या फिर सुनना था. उसके लिए भी तुमने हमसे जूम डाउनलोड करवाया, जिसके वजह से हम लोग रिस्क पे थे, होपफुली किसी को कुछ हुआ नहीं. डिस्कॉर्ड पर भी तुम सेम चीज़ कर सकते थे कम रिस्क के साथ, एंड स्काइप तो हमें पता ही है. और उससे ज़्यादा मज़े की बात, जब हैकिंग के केसेस आने लगे थे तो हम में से काफ़ी लोगों ने रेकमेंड भी किया था कि ये शिफ्ट कर लो, ये कर लो, वो कर लो, बट नहीं, जूम. तो हमारी ऑफलाइन एजुकेशन को ऑनलाइन एजुकेशन में चेंज करने का फैसला तब नहीं हुआ जब हमारे पास ट्रीज की शॉर्टेज हो रही थी, नहीं तब नहीं हुआ जब दिल्ली पोल्यूशन लेवल से बहुत हाई था, मतलब डेंजरस पे पहुंच चुका था, नहीं बल्कि तब जब गवर्नमेंट ने बोला कि कॉलेजेस को बंद करना पड़ेगा. मतलब अगर उनका बस चलता वो नहीं करते, बट स्टिल चलो उन्होंने कर दिया. क्या हम रेडी थे उस चीज़ के लिए? मतलब क्या हमें प्रिपेयर किया गया उसके लिए पहले, या फिर जो भी हमने पढ़ा उसको हमने एग्जैक्टली वैसे फॉलो किया जैसे हम लोग US वगैरह कंट्रीज में हम जैसे देख रहे थे कि अच्छा वहाँ पे ऐसा हो रहा है हम भी कॉपी कर लेते हैं, क्या हमने वैसे किया? Wait a minute. बात रही कि ये किसके लिए था, तो ये हम स्टूडेंट्स के लिए था, बट हमारे कॉलेज के स्टूडेंट भी तो बेवकूफ़ है. मतलब कोई आराम से शांति से क्लास ही नहीं लेने देता. अगर मैं तुम्हें अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो मेरी क्लास में ऐसे ऐसे लोग हैं जो हर क्लास में अपना माइक ऑन करके रखते थे सिर्फ मेरी क्रश का रिप्लाई रिपीट करने के लिए. मतलब ऐसा भी नहीं कि टीचर्स ने उसको बोला कि हाँ तू हर सेंटेंस करते बोल, ठीक है चलो ठीक है, माना कि टीचर ने बोला कि एक बंदा रिप्रेजेंट करो सारे बच्चों को, कि अगर कोई टेक्स्ट आता है हमारे चैट बॉक्स में तो उसको बता देना हमें, तो भाई माइक ऑफ कर सकता है तू, या फिर अगर हो सकता है कि तुझे नहीं आता हो टेक्नोलॉजी इतना यूज़ करना तो सॉरी. और उसके लिए मैंने टीचर्स को भी बोला था एक बार कि शायद उसको नहीं आ रहा है समझ में ये ऐप को यूज़ करना, उससे नहीं माइक कंट्रोल हो रहा अपना, मतलब जब आप उससे क्वेश्चन पूछोगे वो तब चुप हो जाता है,
पर जब आप उससे नहीं पूछोगे तो फिर वो बोलता रहता है। और उससे ज्यादा अमेजिंग बात मेरे को तब पता चली जब मैंने ऑफिशियल ग्रुप पे उस बंदे को टेक्स्ट किया और मैंने उसको बोला भाई शट अप, और उसका रिप्लाई मेरे को क्या आया, भाई गाली क्यों दे रहा है। म्यूजिक और उसके बाद में मैंने ऑनलाइन क्लासेस लेना छोड़ दिया। तो ये थी मेरी दास्तान ऑनलाइन क्लासेस के बारे में। और अगर मैं तुम्हें बताऊं कि ये कैसे होता है, तो बेसिक इंटरनेट यूज से ये कोई भी कर सकता है, जो कि मुझे पता है कि तुम्हें बहुत अच्छे से आता है, इसलिए तुम मुझे यूट्यूब पे देख रहे हो ना कि टिकटॉक पे। और इसी खुशी में चलो अपनी पीठ पे जरा थपकी दे दो और नीचे जाके सब्सक्राइब का बटन दबा दो और बेल आइकन दबा दो। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।